अब हम कई बार क्या करते हैं, ये देखे, अब मैं बटन दबा रहा हूँ, ये सी, ये काम नहीं कर रहा, कुछ भी चल नहीं रहा। और हम कई बार घबरा जाते हैं, यूज नहीं करना आता हमें तो हम घबरा जाते हैं, यार ये सी तो काम ही नहीं कर रही। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आपका स्वागत है मेरे किसी टीवी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो न्यू ब्रेजा VXi है उसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है, इस एसी, एसी बोल सकते हो, तो जो एसी है वो ऑटो एसी आता है। तो हम हमारे जैसे कई भाई हैं जिनको ऑटो एसी के बारे में पता नहीं कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं उसको, उसका जो टेम्परेचर है अप एंड डाउन कैसे करते हैं। जैसे आपको जो एसी की एयर है वो आपको जो आपके आगे विंडशील्ड है, फ्रंट विंडशील्ड उसके ऊपर चाहिए, रियर में चाहिए, या फिर आपको सामने चाहिए या पैरों में चाहिए, और वो सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो ऑटोमेटिक एसी है ब्रेजा VXi का, उसमें हम कैसे कैसे कौन कौन से बटन से क्या फीचर है और उस बटन से हम क्या कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको एसी दिखाता हूँ ब्रेजा VXi का, और आपको दिखाता हूँ कि कौन से बटन से क्या कार्य होगा, और आप टेम्परेचर कैसे सेट कर सकते हो, और आपको ऑटो एसी कैसे मतलब यूज करना है वो दिखाता हूँ। तो चलिए अब ये देखिए दोस्तों, ये अपना ऑटोमेटिक जो एसी है वो है, मैं ये देखिए, ये फैन की स्पीड अप एंड डाउन करने का है, ये टेम्परेचर अप एंड डाउन करने का है, और ये बहुत सारे बटन्स हैं, स्विचेज हैं। तो मैं आपको अभी गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि इनका क्या क्या काम है, और कुछ के ऊपर लाइट्स हैं और कुछ के ऊपर लाइट्स नहीं है, उनका भी मैं दिखाता हूँ कि लाइट्स कौन से में नहीं है। ये डिस्प्ले है इसकी, एसी की, इसमें आपको टेम्परेचर और जो एयर का फ्लो है वो दिखाएगा कि एयर कहाँ पे चल रही है। तो मैं अभी आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है। अभी मैं गाड़ी ऑन कर रहा हूँ तो आप देखिए, तो जैसे मैंने चाबी का एक मतलब स्विच ऑन किया, तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक निशान बन रहा होगा जो आपको मतलब जो गाड़ी के अंदर अंदर एयर को रोटेट करता है वो निशान है, और उसके ऊपर लाइट जली हुई है। उसके आगे है एसी का बटन। अभी मैं आपको गाड़ी ऑन करता हूँ, अभी ये देखिए, ये जैसे मैंने गाड़ी ऑन कर ली है, जैसे ही मैंने ये गाड़ी ऑन कर लिया, जैसे ही मैंने गाड़ी ऑन की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ ये बटन ऑन है। अगर मैं इसको, इसका मतलब है कि जो गाड़ी की एयर है वो रोटेट होगी, वो बाहर से एयर नहीं लेगा, ये एसी इसी एयर को गाड़ी के अंदर रोटेट करेगा। दूसरा ऑप्शन है एसी का। अब हम कई बार क्या करते हैं, ये देखिए, अब मैं बटन दबा रहा हूँ, एसी ये काम नहीं कर रहा, कुछ भी चल नहीं रहा, और हम कई बार घबरा जाते हैं, यूज नहीं करना आता हमें तो हम घबरा जाते हैं, यार ये एसी तो काम ही नहीं कर रहा। ये ऑफ का बटन है, जब काम ही नहीं कर रहा तो ऑफ कहाँ से करेंगे। ये आता है मेन स्विच ऑटो, तो हमें क्या करना, जैसे ऑटो एसी है तो हमने क्या करना, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए ऑटो का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऑटो का बटन दबाया, ये देखिए, अभी हम यहाँ से टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड, ये फैन स्पीड मैं कम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये जैसे फैन स्पीड मैंने 1 पे कर दिया, अब मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ जाएगी, ऊपर करने से बढ़ेगी, नीचे करने से माइनस होगी, तो ये फैन स्पीड है। उसके बाद जैसे मेरे को टेम्परेचर लो एंड हाई करना, ये सबसे लो पे है, अब हाई करना है तो ये आपको रेड बटन दिख रहा होगा, ये देखिए रेड निशान दिख रहा होगा, तो इसको हमने ऊपर प्रेस करना, ये देखिए, ये जैसे करोगे तो टेम्परेचर अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अभी देखिए, जैसे डिस्प्ले में मैं आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले में इस टाइम 27 के आसपास टेम्परेचर है, 27 डिग्री है, और मैंने अभी यहाँ पे सेट कर दिया 23। अभी ये देखिए एसी का बटन स्टार्ट हो गया है, प्लस ये जो एयर को रोटेट कर रहा है गाड़ी गाड़ी में उसका, अगर मैं इसको दबा देता हूँ तो ये बंद हो गया। अभी क्या होगा, जैसे बाहर का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का गाड़ी का है कम, क्योंकि गाड़ी का हमने 23 किया और बाहर का मैंने आपको डिस्प्ले में दिखा 27, तो अभी क्या होगा, इसका बटन मैंने बंद कर दिया तो ये एसी क्या करेगा, बाहर से हवा लेगा, बाहर से हवा लेगा तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है 27 वो
अंदर आएगा, और अंदर का 23 है तो गाड़ी है जो लेट, आपकी कूलिंग लेट होगी गाड़ी में, तो इसका ये हमने दबा के रखना है जिससे कि गाड़ी की एयर गाड़ी में घूमती रहे और जल्दी हमें ठंड मिल जाए। उसके बाद ये देखिए, ये बटन आपको दिख रहा होगा फ्रंट जो विंडशील्ड है। अब वे हमें विंडशील्ड के ऊपर, जो फ्रंट विंडशील्ड है उसके ऊपर एयर चाहिए तो इसको हमने प्रेस कर देना है। प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको निशान भी दिख रहा होगा ये विंडशील्ड का। रियर में लेना है तो रियर में हम वो करेंगे तो ये देखिए, ये रियर में और फ्रंट में दोनों में जाएगी एयर। फ्रंट का अगर बंद करना है तो ये रियर में भी जाएगी और आपके मुंह पे भी आएगी, ये दोनों हैं। अगर मैं इसको भी बंद करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपके फेस पे एयर लग रही है। अगर आपको पैरों में लेनी है और वो लेनी है कहाँ कहाँ पे आपको सेट करनी है तो ये बटन है उसके लिए। ये देखिए, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे तो ये देखिए आपकी एयर नीचे पैरों पे, ये देखिए पैरों पे भी आ रही है, पैरों पे आ रही है, ये देखिए पैरों पे भी आ रही है और मुंह पे भी। यहाँ से आपके जो आपका मुंह है, माउथ बोल सकते हो, तो उस पे भी आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने चेंज किया, पैरों पैरों पे होगी, इसको चेंज किया पैरों पे और अपना रियर बोल दो या फ्रंट विंडशील्ड पे बोल दो उस पे, उसके बाद ये मुंह मुंह पे होगी, तो ये वो है। इसके बाद जैसे हमने आई करना है तो यहाँ से हम आई कर सकते हैं, यहाँ से लो कर सकते हैं। तो ये अपना मोड का है, जो पहले आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखे होंगे मोड लिखा होता है जिसपे, तो वो यही बटन है, ये रियर का, ये फ्रंट का, ये ऑटो का, ये ऑफ का, ये एसी का, और ये एयर को अंदर ही अंदर सर्कुलेट करने का है। तो जैसे टेम्परेचर आप कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, ये पूरी इंफॉर्मेशन। अभी क्या है, जैसे ऑटो का मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे ऑटो लिखा आ गया। अब जैसे ही मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ तो यहाँ से ऑटो गायब हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। अभी मैं ऑटो दबाऊंगा तो ये देखिए ऑटो फिर आ गया। अगर मैं टेम्परेचर को भी बढ़ाऊंगा, जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑटो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैन की स्पीड वो उतनी है, वो कूलिंग उस हिसाब से करेगा। अब ये मैंने जैसे बढ़ाया तो ये 24.5 पे ऑटो एसी चलेगा, आपको कितनी ज़रूरत है अंदर तो उस हिसाब से ये फैन की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। अब जैसे मैं लो में जाऊंगा, अब ये देखिए स्पीड बढ़ गई, और मैं लो में जाऊंगा, अब ये देखिए ये स्पीड और बढ़ गई, और मैं बिल्कुल लो में चले जाऊंगा तो ये देखिए ये फैन की स्पीड अपने आई, जो आई है इसकी स्पीड वहां पे चली गई। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर फिर बढ़ाऊंगा तो ये स्पीड कम होती चली जाएगी फैन की स्पीड, और यहाँ पे ऑटो रहेगा क्योंकि वो अंदर का, अंदर जो टेम्परेचर है वो, जो ये सेंसर दिख रहे होंगे आपको, एक एक सेंसर तो आपका ये है और एक सेंसर आपका इस साइड है ये रहा, तो ये क्या है, ये टेम्परेचर को देख लेता है और उसी हिसाब से आपका जो एसी है, गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसी हिसाब से ये काम करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी एसी से रिलेटेड। ये देखिए, ये हम टेम्परेचर आई और ये फैन की स्पीड भी वो कर सकते हैं। फैन की स्पीड को छेड़ते ही आपका ऑटो यहाँ से चला जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को छेड़ रहे हो तो ऑटो एसी रहेगा। अब देखिए, ये टेम्परेचर को मैं छेड़ रहा हूँ तो ऑटो एसी आपका रहेगा। अगर जैसे ही मैं फैन की स्पीड को छेड़ता हूँ, ये देखिए फैन की स्पीड अगर मैंने थोड़ी भी चेंज की तो ऑटो यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो गया। अब ये आपको सारे बटन पता लग गए होंगे, इससे अपना मोड चेंज होते हैं। आपको पैरों में हवा लेनी है उसका है, उसके बाद ये आपको फ्रंट शील्ड जो विंडशील्ड है उस पे लेनी है और पैरों में लेनी है उसका है, उसके बाद ये आपके मुंह पे लेनी है जो बॉडी है उस पे लेनी है उसका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपने हिसाब से जैसे भी आपको गाड़ी में इसका यूज करना है वो आपको पता लग गया। दूसरा क्या है कि इसका जो यूज है बटन का वो बहुत ही कॉमन है, ये आपको शायद किसी ने ना बताया होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गर्मी में कहीं पे भी हो, बैठे हो और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तो आप इसको बंद कर दीजिए जिससे कि एसी बाहर से हवा ले इसके, बाहर से हवा ले के आपकी गाड़ी को जल्दी से जल्दी ठंडा कर दे। सेकंड, जहाँ पे प्रदूषण है, जैसे जहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे इस बटन को बंद रखिए, मतलब बंद का मतलब इसको ऑन रखिए। इस बटन को ऑन रखने से क्या है कि आपका जो एसी है वो बाहर की हवा नहीं ले पाएगा, और बाहर की हवा नहीं लेगा तो अंदर आपके टेम्परेचर अच्छा रहेगा, क्योंकि
क्योंकि बाहर तो गर्मी है और अंदर आप कूल जो आपका एसी है वो चल रहा है, तो कूलिंग हो रखी है, और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं बाहर उड़ेंगे वो यहाँ से एसी के थ्रू अंदर आ सकते हैं और आपको आर्म पहुँचा सकते हैं। इसलिए इसको ऑन रहने देना, ऑफ ऐसे ऑफ मत करना। अगर ऑफ करोगे तो ये बाहर से हवा लेगा। थर्ड है कि आपकी गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी है, कहीं पे भी खड़ी है, और वो बहुत गर्म होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखी है, तो आपको क्या करना है, अपने जो विंडो ग्लासेज हैं उनको थोड़ा नीचे रख के और यहाँ से इसको ये बटन को आप ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या होगा कि ये बाहर से फ्रेश हवा लेगा और यहाँ पे रोटेट करेगा, इसको जो आपके ये गर्म हवा है इनके थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा था एसी का यूज मैंने आपको बताया कि आप ऑटो एसी कैसे चला सकते हो, कैसे, और आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। जैसे बंद किया आपने तो ये लाइट यहीं पे ऑन रहेगी। अभी आपको यह भी अगर लाइट बंद करनी है तो इस लाइट के लिए आप यहाँ से बंद कर सकते हो, और नहीं तो ये स्टार्ट रहनी चाहिए लाइट, तो अच्छा रहेगा। अच्छा किस लिए रहेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर, अब सर्दी है या गर्मी है तो अंदर का टेम्परेचर वो बना रहेगा, आपको बार बार एसी चलाने की और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी अपनी छोटी सी एक वीडियो ऑटोमेटिक एसी के ऊपर। तो आपको दोस्तों ये एसी की वीडियो जो ऑटोमेटिक एसी है न्यू ब्रेजा VXi में, वो वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बड़ी मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन भरी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।